आई हैव डन ग्रेजुएशन, दैट इज आई एम होल्डिंग दिस माइक, ओके, आई हैव डन ग्रेजुएशन, दैट इज आई एम होल्डिंग दिस माइक। सिर्फ इनके सामने मुद्दा एक ही है, मंदिर और मस्जिद अडानी अंबानी के जिम्मे पूरे देश को बेच दिया है, जो देश के सबसे बड़ा पूंजीपति है। उस हिंदू राष्ट्र में कौन लोग हिंदू हैं? हम तो दलित हैं, तो उसके अनुसार से हम हिंदू हैं नहीं, क्या है फिर, क्या है? कोई भाषा नहीं है, क्या है हिंदू, कोई भाषा नहीं है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देखिए इस वक्त मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय के पास, और आप हमारे आसपास भीड़ देख सकते हैं। आप विजुअल के माध्यम से आपको एक बार भीड़ दिखा देते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हाथों में झंडा लेकर और बैठे हुए हैं। तो कुछ लोगों से हम बातें करेंगे और जानेंगे कि यहाँ आने का कारण क्या है। आप आए कहाँ से, पहले ये बताइए। देखिए, हम लोग फुलवारी प्रखंड से आए हैं, और हम लोग आए हैं कि आज भाकपा माले के पूर्व महासचिव कॉमरेड VM कॉमरेड विनोद मिश्र के 25वीं शहादत दिवस है, और इस शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ आए हैं। और कॉमरेड विनोद मिश्र उसी समय संकेत दिए थे कि आने वाले दिन में फांसीवादी सांप्रदायिक ताकत जो आएगा, वो पूरे देश के आबो हवा को बदल देगा, संविधान को बदल देगा, और नागरिक के लिए जीना मुहाल कर देगा। और आज हम देख रहे हैं कि वह बात, उनकी कही हुई भविष्यवाणी आज साबित सामने आ रहा है। और आज उसी तरह से आज देख लीजिए कि पूरे देश के संसाधन, जल, जंगल, जमीन, रेल, प्लेन से लेकर के बैंक से लेकर के सारे चीज़ों को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर सिर्फ इनके सामने मुद्दा एक ही है, मंदिर और मस्जिद, रोजगार का कोई इनके मुद्दा नहीं है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का सवाल आज जस के तस रह गया है, लेकिन हम बिहार में देख रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि केंद्र ने भारत को बेच दिया है, बेचने का काम कर, पूरी तरह से बेच दिया है। किसको बेचा? अडानी अंबानी के जिम्मे पूरे देश को बेच दिया है, जो देश के सबसे बड़ा पूंजीपति है उसे। आप आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार लोगों के नजरिए में देश चला रहा है, लेकिन असली मायने में अंबानी और अडानी देश को चला रहा है। अडानी अंबानी देश चला रहा है, और मोदी जी के ही परम मित्र हैं अडानी अंबानी। तो इसीलिए आज जरूरत है भाजपा सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ पूरे देश के युवाओं को, नौजवान किसानों को संगठित होकर के पूरे देश से उसको विदागी करने का सवाल, और इसीलिए आज संकल्प लेने का दिन है। यहाँ पर हमने सुना था कि हिंदू राष्ट्र को लेकर भी बातें हो रही थी, तो आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र को लेकर जो बातें हो रही है वो सही है, हिंदू राष्ट्र सही है, या फिर कहीं आपको उसमें दिक्कत? हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना जो कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि मनुस्मृति के अनुसार हिंदू राष्ट्र में कौन लोग हिंदू हैं? हम तो दलित हैं, तो उसके अनुसार से हम हिंदू हैं नहीं, अति पिछड़ा पिछड़ा ये सब हिंदू हैं नहीं, तो किनकी? अति पिछड़ा और पिछड़ा हिंदू नहीं है? नहीं, हिंदू नहीं है, क्या है फिर, क्या है? वो तो दलित हैं, अति पिछड़ा हैं, दलित अलग हो गया। हाँ, मनुस्मृति आप पढ़ लीजिए, और उसी के वकालत बीजेपी कर रहा है कि आने वाले दिन में पूरे देश के संविधान को बदल करके हम मनुस्मृति संविधान को लागू करेंगे, और उसी से पूरा देश चलाएंगे। ऐसा संभव नहीं है, ये हम लोग होने नहीं देंगे, देश के जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे इसके लिए जितना भी कुछ करना पड़ेगा सब कुछ करने के लिए तैयार। कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं कि छुआछूत जो है देश में है, उसी वजह से दलित को अलग रखा गया। आप देख लीजिए, भाजपा के मंत्री के द्वारा, भाजपा के विधायक के द्वारा दलितों के सिर पर पेशाब, मुंह पर पेशाब करने से लेकर के घोड़ा पर चढ़ करके शादी करने जाता है, उसको उतार करके पिटाई करने से लेकर के मोच उखाड़ने से लेकर के ये सब समानती मनुवादी के तहत। भाजपा से हटकर हम देखें, भाजपा से हटकर अगर हम देखें तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं, उनका भी तो बयान आता है रामचरितमानस को उल्टा सीधा लेकर, तो वो भी तो एक तरह से ठेस पहुंचाना हुआ ना हिंदू धर्म के लोगों को। हिंदू धर्म के लोगों की बात नहीं है, यहाँ हिंदू हम हैं कहाँ? अगर जो मनुस्मृति संविधान देख लीजिए तो हम हिंदू नहीं है। मनुस्मृति संविधान मानते हैं? नहीं, नहीं मानते, फिर तो आप हिंदू हुए ना। फिर आपके संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान में कहीं से कोई सांप्रदायिक फांसीवादी ताकते या हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, तो आप हिंदू हुए ना, फिर तो आप हिंदू है, मनुस्मृति नहीं मानते हैं। हम दलित हैं, हम हिंदू नहीं है, दलित अलग हो गया। हाँ, अलग है, उनको छुआछूत वाले लोग हैं, सिर्फ हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं। हम लोग छुआछूत मानते हैं कि छुआछूत है? हम तो लोग नहीं मानते, लेकिन जो है ब्राह्मण लोग जैसे चाहते हैं। एक सवाल आपसे करते हैं हम कि अगर ब्राह्मण जो फॉरवर्ड कास्ट के हैं, ब्राह्मण राजपूत, तो आपको अगर खाने के लिए बुलाएंगे तो आप क्या सही मन से वहां जाएंगे? तो रखेंगे कहाँ?
नहीं रखेंगे वो, मतलब आप नहीं जाएंगे? अरे वो खुद नहीं रखते हम लोग का। अगर वो बुलाए, अगर उन्होंने बुलाया तो क्या आप जाएंगे? नहीं। इसका मतलब आप खुद संविधान तोड़ रहे हैं, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ ये बता, आप खुद संविधान तोड़ रहे हैं, फिर संविधान जोड़ने की बात आप कहाँ से कर रहे हैं? कहे नहीं, अब बताइए जैसे हुआ कि जातिवाद के बारे में आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं कि हमें ब्राह्मण बुलाएंगे खाने के लिए तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे खाने, तो आप खुद संविधान तोड़ रहे हैं। क्यों, वो भी तो हमारे लोग में है, तभी ना हम लोग जाएंगे। जब वही संविधान जो बाबा साहब ने लिखा था वो आप तोड़ रहे हैं और बाबा साहब का ही समर्थन भी कर रहे हैं, तो दोनों तरफ एक तरफ से कैसे होगा? नहीं, हम लोग दलित को खिलाने के लिए नहीं बुलाएगा। ब्राह्मण राजपूत नहीं बुलाएगा दलित को खिलाने? नहीं बुलाएगा। आप पूछे, वो पता हमारा फेंकेगा नहीं फेंकेगा, हम शूद्र है शुरू से। अच्छा ये अच्छा, ये आपके दिमाग में कौन भर रहा है कि ब्राह्मण राजपूत कभी नहीं आ रहा है? भी आई, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, बिल भरो। कौन भर रहा है? आप भर रहे हैं, ग्रेजुएट आप भर रहे हैं, आप भरने की बात कर रहे हैं, कौन भर रहा है? आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट ब्राह्मण और राजपूत आपको कभी बुला नहीं सकते। बुला नहीं सकते हैं वो, बुला नहीं सकते हैं। बुलाएंगे कब? बुलाना होगा तो बुलाएंगे, वोट लेना होगा तो बुलाएंगे, और हम उससे पता भिगवाएंगे या कुछ पैसा भी देंगे कि वोट दो हमको। यही तो करते हैं सत्ता के लिए। मोदी क्या कर रहे हैं? सत्ता के लिए, सत्ता के लिए जो इतना झूठ बोलना है, पैंतराबाजी जितना करना है। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? चंद्रशेखर जी। मानते हैं आप उन्हें? मानते प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं, टीचर है, क्यों नहीं मानेंगे? उन्होंने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया था उससे हिंदुओं के धर्म को ठेस नहीं पहुंचेगा? कोई ठेस नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचेगा? रामचरितमानस ऐसे ही फेंका हुआ है, वो ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ आपको माना है, हिंदुस्तान ने माना है वो नहीं। रामचरितमानस सबसे किताब नहीं है, किताब नहीं है, ग्रंथ है, ग्रंथ है, धर्म का ग्रंथ है, सनातन धर्म का ग्रंथ है, आपको पता होना चाहिए। रामायण है, रामचरितमानस आप नहीं पढ़े हैं? रामचरितमानस आप नहीं पढ़े हैं? नहीं, बिना पढ़े बोल दिया, गलत है। हम संविधान नहीं पढ़े हैं, नहीं बोल रहे हैं। एक किताब को हम गलत बोलने का? किताब नहीं है वो, किताब मत बोलिए, किताब नहीं है वो, किताब नहीं है, बुक नहीं है वो, ग्रंथ है। ग्रंथ आप जानते हैं? आप बताइए कहाँ ओवरऑल, ओवरऑल कितना? आप ग्रेजुएट है ना, कितना ग्रंथ है बताइए? हिंदू धर्म में कितना ग्रंथ? हम कल हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म में नहीं है तो कल ग्रंथ क्या है फिर? क्या है? कोई भाषा नहीं है। क्या है? हिंदू कोई भाषा नहीं है, हिंदू कोई रामचरितमानस हिंदी में नहीं है, संस्कृत है, संस्कृत है। आप कह रहे हैं कि आप ग्रेजुएट है, आपको इतना पता होना चाहिए। धरती पर कितने धर्म है? धरती पर ग्रेजुएट है? आप ग्रेजुएट हैं, आपसे बात करेंगे, रुकिए एक सेकंड। आपने वो कहा ना, क्या आराम से हल्ला नहीं, हम भी न्यूज बना रहे हैं। आप ग्रेजुएट है ठीक है? जी जी जी। उनसे कर रहे हैं जिनको नॉलेज है, ठीक है? जी 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 जी, एक सेकंड। धरती पर पुराण ग्रंथ हर एक चीज है, ठीक है? कितने ग्रंथ है? जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। आप लोगों की पीड़ा हम समझ रहे हैं, ठीक है? दलित की पीड़ा हम समझ रहे हैं, लेकिन आप एक तरह से लिखित इतिहास नहीं है तब तक किसी चीज को मानने के लिए हम तैयार नहीं है। ग्रंथ है जो मनुष्य, आइए इधर बताते किस चीज का करते हैं, आइए इधर आइए, सुनिए पत्रकारिता, आइए इधर किस चीज का करते हैं बताते, इधर आइए, नहीं इधर 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 आइए, हाँ इधर आइए, आप इधर आइए, उनको ही बुलाइए, हम पत्रकारिता बताते हैं आपको। हम पत्रकार हम ऐसे ही नहीं उठाए, पढ़ लिख कर उठाए, आइए इधर आपको बताते हैं। I have done graduation. That is I am holding this mic, okay? I have done graduation. That is I am holding this mic. Listen, एक मिनट, यहाँ डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पत्रकारिता कर, हमको करने दीजिए पत्रकारिता कर रहे हैं तो चलिए आप बताइए। चौथा स्तंभ कोई नहीं भेज सकता, ठीक है? चौथा आप जानते हैं ना, चलिए आप बताइए। गोदी मीडिया नहीं है, आप लोग यहाँ पर पैसे लेकर आए हैं तो आप लोग बोलिए हम पैसे लेकर आए हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि स्वतः मौजूद थे जेडीयू कार्यालय के पास में, और यहाँ पर हमने साफ तौर पर लोगों से जानने की कोशिश की कि उनकी मानसिकता क्या है हिंदू धर्म को लेकर, और साथ में वो यहाँ पर क्यों आए हैं वो भी हमने साफ तौर पर आपको दिखाया। कहने का अर्थ ये है कि रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही है उनका ये लोग समर्थन करते हैं, और साथ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इनके तरफ एक तरफ से भरी रही है, उसी बातों को लेकर, उन्हीं भरी बातों को लेकर ये यहाँ पर आकर धरना दे रहे हैं। ये तक नहीं पता है कि धरना हम क्यों दे रहे हैं, और एक तरह से संविधान तोड़ते हैं और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं विजुअल में और वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने और देखते रहे।